हेलो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कोरोना वायरस के कारण पूरी देश में लॉकडाउन है और इस अवस्था में हम सब अपने घरों में 24 घंटा रह रहे हैं। हम कहीं आ जा नहीं सकते। तो आज मैं उन माँ बाप उन पेरेंट्स की बात करने वाली हूँ जिनके बच्चों को ऑटिज्म है, ADHD है या कोई सेंसरी इश्यूज है या फिर दिमाग से जुड़ी हुई और कोई कठिनाई है। इन पेरेंट्स की जिंदगी है वो और भी कठिन हो गई है। क्यों? क्योंकि इन बच्चों में से बहुत सारे बच्चे पहले स्कूल जाते थे, थेरेपी सेंटर्स जाते थे और अब उनका बाहर जाना पूरी तरह से बंद हो गया है। उसी तरह माँ बाप को भी जो थेरेपिस्ट है, काउंसलर्स है, टीचर्स है, उनका बहुत सपोर्ट मिलता था। ये जो जिंदगी है, इस सपोर्ट के कारण माँ बाप अपने बच्चों को घर में हैंडल कर सकते थे। घर में ये बच्चे इन सब सर्विसेस के वजह से कुछ हद तक शांत रहते थे या फिर घर में अपनी माँ बाप की सुनते थे। लेकिन अब बहुत सारे पेरेंट्स को ये सब करने में बहुत कठिनाई आ रही है क्योंकि जैसे बाहर जाना बंद है, बहुत सारे बच्चे ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, बहुत सारे बिहेवियर्स ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि हाइपर होना, यहाँ वहाँ भागना, अलग अलग आवाज़ें निकालना, YouTube या मोबाइल में ही गेम्स खेलना। इन माँ बाप को ये सब हैंडल करना और भी कठिन है क्योंकि घर में बाकी के लोगों को संभालना, घर के काम करना और उसके साथ ऐसे बच्चों को अलग से संभालना, उनको अटेंशन देना, ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसी घड़ी में जो हमें बिल्कुल ही आदत नहीं है, लेकिन अब जो ये घड़ी आ गई है, इसमें हम क्या क्या नई चीजें सीख रहे हैं, तो इनमें से कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे थेरेपी सेंटर्स बंद हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि बच्चों को जो पहले थेरेपीज मिल रही थी वो अभी नहीं मिल रही है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं क्योंकि उनका जो डेली रूटीन है वो ब्रेक हो गया है। तो बच्चे बिहेवियर्स या बहुत सारा चिड़चिड़ापन या चिल्लाना, रोना, हाइपर होना, ये सारे जो रिपीटेड बिहेवियर्स हैं ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि आज तक हम थेरेपिस्ट के वजह से हमें बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन जहाँ अभी ये सपोर्ट रुक गया है तो हमें अभी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है या फिर बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि घर में बच्चों को कैसे संभालें, कैसे हैंडल करें जिससे वो आपकी बात सुन सके, समझ सके और अप्रोप्रिएटली, या बोलते हैं कि अच्छे से रिस्पॉन्ड करें। बहुत सारा स्ट्रेस बढ़ गया है, फिजिकल स्ट्रेस तो बहुत हो रहा है क्योंकि घर में सब काम करने पड़ रहे हैं, लेकिन मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ रहा है जब बच्चों को ऐसे बिहेवियर्स हम करते देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा टेंशन आ रहा है कि कैसे हम बच्चों को मैनेज करेंगे, हम तो अकेले पड़ गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिनके बच्चों को ऑटिज़म है या कोई और अलग तरह की कंडीशन है, ये पेरेंट्स किसी पे भी डिपेंड नहीं रह सकते हैं क्योंकि आज हम ये सीख गए हैं कि ऐसे सिचुएशन में हमें कोई नहीं है जो सपोर्ट करेगा। तो जो भी है वो अब हमें ही करना है। बच्चे के जिंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट टीचर, गुरु है, वो पेरेंट्स होते हैं। और जो चीज़ आप कर सकते हैं वो दुनिया का कोई भी थेरेपिस्ट, कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकते। आज हम ये सीख गए हैं लॉकडाउन के वजह से कि आखिर में जो सबसे काम आने वाला है बच्चे को, वो है उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता, कि हमें हमारे बच्चे को 24 घंटा संभालना है। ये सबसे ज़रूरी बात है जो हमें रियलाइज़ करनी ज़रूरी है कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ हम आगे जाके हमें पता नहीं है कितने दिन के लिए ये लॉकडाउन होगा, तो बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो इस लॉकडाउन की वजह से रुक ना जाए। और ये अगर रुक गया तो फिर हमारे बच्चों को आगे भी तकलीफ हो सकती है, ये ना रुके। इसलिए पेरेंट्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि आज घड़ी आ गई है कि गुरु होने का जो जिम्मेदारी है ये हम अब उठाएं और हम ही बन जाए बच्चों के गुरु। ऐसी कठिन स्थिति में हम पेरेंट्स को ही बच्चों पे काम करना होगा, बच्चों का डेवलपमेंट की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ऑटिज्म को सही मायने में हमको ही समझना होगा। अगर आप इस चीज से सहमत हैं और इंटरेस्ट है, मैं आगे जाके ऑटिज्म के बारे में और सारे बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ जिससे जो माता पिता घर में है उनको अपने बच्चों के साथ कैसे घर में व्यवहार करना है। इसलिए कितना जरूरी है पेरेंट्स को समझना कि ऑटिज्म का सही अर्थ क्या है, क्योंकि आप अगर सही अर्थ नहीं समझेंगे तो आपको सही ट्रीटमेंट क्या है वो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और स्पेशली जब गूगल पे या आप
सर्च इंजन्स पे ऑनलाइन देखोगे तो इतना सारा नॉलेज है ऑटिज्म पे कि किस चीज पे हम भरोसा करें वो समझना ही मुश्किल हो रहा है। इसलिए आज ये लॉकडाउन की स्थिति में यह हमारा सबसे बड़ा लेसन है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद। घर में रहिए। स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे सेफ।